रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं आप सबका दिनी भाई अफू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से तो साम आप लोग भी ये जानते होंगे कि हनफ़ी मसलक के जो दो मानने वाले दावेदार हैं एक हमारे हनफी बरेलवी भाई और एक हमारे हनफी देवबंदी भाई वो दोनों लोग अक्सर एक बात को माशरे में फैलाते हैं कि जो रमज़ान में जमात के साथ जो क़याम है यानि कि जो तरावी है वो उमर रजील्ल्लू ने इसको चालू करवाया था और बाद में कहा था ये अच्छी बिदत है यानी कि अल्लाह अच्छी बिदत की जो दलील है वो कुछ जाहिल लोग उमर रजी अल्लाह तै की जमात रमज़ान में क़यामलैल कराने की बात से वो लोग पकड़ते हैं और कहते हैं ये देखो ये काम पहले तो हुआ नहीं था अल्लाह के नबी के ज़माने में लेकिन उमर रज़ी तु ने अपने ज़माने में लोगों को एक इमाम के पीछे जमा करके भैया क़यामल्ल करवा दिया बामत तरावी करवा दी तो ये अच्छा नया काम है यानी कि अच्छी बिदत है आइए आज मैं साबित करूँगा आपके सामने जो हदीस है बुखारी शरीफ और हदीस का नंबर है दो हज़ार बारह इससे साबित करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बाजामात क़याम खुद करवाया था आइए यकीन ना है तो हदीस को आराम से पढ़िए और सुनिए عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاه الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم

सुबह हुई तो उन्होंने इसका चर्चा किया चुनाचा दूसरी रात में लोग पहले से भी ज़्यादा जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी दूसरी सुबह को और ज़्यादा चर्चा हुआ और तीसरी रात उससे भी ज़्यादा लोग जमा हो गए आपने उस रात भी नमाज़ पढ़ी और लोगों ने आपकी इक्तदा की चौथी रात को ये आलम था कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आने वालों के लिए जगह भी बाकी नहीं रही थी लेकिन उस रात अलैहि वसल्लम बरामद ही नहीं हुए बल्कि सुबह की नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए जब नमाज़ पढ़ ली तो लोगों की तरफ मुतवजह होकर शहादत के बाद फरमाया अम्मा बाद, तुम्हारे यहाँ जमा होने का मुझे इल्म था लेकिन मुझे खौफ इसका हुआ कि कहीं ये नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए और फिर तुम इसकी अदायगी से आजिज़ हो जाओ चुनाचा जब नबी करीम सल्हु वसलम की वफात हुई तो यही कैफियत कायम रही सही बुखारी दो हज़ार बारह अलहदुल्ल तो साफ़ एकदम साबित हो गया कि नबी अलैहि वसल्लम के दौर में खुद अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में क़यामलैल यानि कि तरावी तहजद ये बाज़मात अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पढ़ाई तो चौथी रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आए लेकिन जब सुबह की नमाज़ पढ़ाने आए फज्र की तो आपने नमाज के बाद सहाबा से फ़रमाया कि मुझे मालूम था कि तुम लोग आए हो लेकिन मैं इसलिए जो कयामुल लैल उसको नहीं पढ़ाया कहीं अल्लाह ताला इसको उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ ना कर दे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से जाने के बाद अबू बकर रजी ला का दौर आया फिर उमर रजी ला तू का दौर आया तो उमर रजी अल्लाह ने देखा कि लोग एक ही मस्जिद में अलग अलग अपना नमाज पढ़ रहे हैं टोलियों में तो उमर रजी अल्लाह ने सब को एक इमाम के पीछे जमा करवा दिया क्यों क्योंकि तब उम्मत के ऊपर ये रात की नमाज़ फ़र्ज़ होने का कोई ख़तरा नहीं था क्यों क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में रहते रहते ही सारा दिन कंप्लीट हो गया था और सुरदा की आयत नंबर तीन जब नाजिल हुई कि आज हमने तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया तो अलहदुल्ला दिन तो मुकम्मल हो ही चुका था अब कोई चीज़ ना तो फ़र्ज़ होने का कोई खौफ था ना कोई चीज हटने का खौफ था इसलिए उमर रजी ने सब को एक इमाम के पीछे जमा कर दिया और कहा कि ये अच्छा नया काम है वो कौन सा माना था बिदत का वो था लुगत में बिदत लेकिन कुछ जाहिलों ने इसको शर्य बिदत बना दिया दीन में बिदत बना दिया और उसको बिदत हसना का नाम दे दिया अच्छी बिदत का नाम दे दिया अरे भैया ये काम अच्छी बिदत ये तब होता जब इसकी असल और बुनियाद पहले से मौजूद तो ना होती लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यह काम पहले ही हो चुका था बस कुछ वक्त के लिए यह रुक गया था बाद में उमर रजील ने जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था उसको फिर से अपना स्टार्ट कर दिया तो ये तो अच्छा नया काम हो गया ना कि भाई कोई काम मानिए आज से सौ साल पहले होता था और लोग उसको करना छोड़ दिए फिर मैंने सौ साल बाद आके उस काम को स्टार्ट करवा दिया और अगर मैंने बोला भाई अब अच्छा नया काम हो गया बेहतरीन तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई अच्छी बिदत कर दी नहीं बिदत तो तब होती जब वो दीन में नया काम होता कोई नया काम ईजाद कर देते नया काम ईजाद थोड़ी ना किया वो तो पहले नबी के दौर में हो चुका था तो अलहमदुल्लह यह हदीस जो अक्लमंद होगा उसके समझ में आसानी से आ जाएगी और जो जाहिल होगा उसके सामने तो वही मिसाल है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं अल्लाह सुबान वाली हमारे तमाम भाइयों को हिदायत दे अमेकुम वरम वबरकु